अच्छी है परफॉर्मेंस, सीजन बेस्ट है। फर्स्ट थ्रो अगर मेरी नहीं गड़बड़ होती तो ये और अच्छा कॉम्पिटिशन होता, 64 की रेंज आ जाती इस थ्रो में। किस तरीके से जब थ्रो चल रहे थे, ऊपर नीचे हो रहा था, दूसरे जो टीम्स थी प्लेयर्स थे उनके थ्रोस टच करने की कोशिश की? देखिए मेरा एक ही ये जो मेरा एक टारगेट था जो मेरे कोच ने दिया था कि फर्स्ट थ्रो को हिट करना, वो शायद मैं ज़्यादा प्रेशर लेगी उस चीज़ का, वो थ्रो मेरी ख़राब होने के बाद फिर वो अप डाउन, लेकिन जो मैंने ट्रेनिंग की ना मुझे कॉन्फिडेंस था कि एक थ्रो मेरी लगेगी, लेकिन जो दो तीन थ्रो जो 61 प्लस लगी हैं एक शो करता है कि आप 2 से 3 मीटर और थ्रो बढ़ सकती हैं, वो एवरेज थ्रो हो जाती है हम लोगों की। बहुत चैलेंजिंग होता है डिस्कस थ्रो में, हमें एंगल सेट करना होता है कि किस तरह की कब लेनी है, कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें जब आप आते हैं तो प्रेशर भी था आपको इन सब चीज़ों को लेकर कि एशियन गेम्स में मेडल लेना है और कंट्री के लिए अच्छा करना है? देखो प्रेशर तो रहता है, लेकिन अब वो एज नहीं है कि मैं ज़्यादा प्रेशर लूँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों का। सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि अपना बेस्ट करूं, सीजन बेस्ट करूं, थोड़ा सा धीरे धीरे जो मेरा टारगेट है मेन ओलंपिक्स का है टोक्यो का, उसी को देखते हुए हम लोगों की एक जो लाइन है वो ठीक चली हुई है। ये एशियन गेम्स है जो ये जो थ्रो लगी है वो एक मोटिवेशन है मेरे लिए। अब इसके बाद मैं दूसरे कॉम्पिटिशन, मेरा सीज़न ख़त्म है अभी, मैं एशियन चैम्पियनशिप की तैयारी करूँगी। पहले मेरे को सर्जरी करवानी है अपने हील की और उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप में ही टारगेट होगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप का क्वालिफाई करना, और ऊपर वाले की नज़र रही तो पहले 5 से मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बाहर नहीं होंगे।